आप सब, मैं आपकी दोस्त जसप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल जैजिस चौकोबलेला विद मोर देन तड़काज। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्विक एंड इजी रेसिपी, गार्लिक चिली पोटैटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। गार्लिक चिली पोटैटो बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटोज, जिनको हमने साफ करके छील के कट कर लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च, जिसको हमने काट लिया है। तीन हरी मिर्चें, जिनको हमने बीच से कट कर लिया है। थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, प्याज जिसको हमने काट के उसके सारी लेयर्स को अलग कर लिया है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, जिसमें गार्लिक ज़्यादा है बट जिंजर हमने बहुत कम क्वांटिटी में लिया है इसमें। कॉर्नफ्लावर, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, वेनेगर, ये थोड़ा सा वेनेगर लिया है हमने, प्लस चिली सॉस। गाइस, हमने एक पैन ले लिया है और हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, जिसमें हमें पोटैटोस को फ्राई करना है। हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो ऑयल की क्वांटिटी हमें बहुत अच्छे से डालनी पड़ेगी, जिसमें ये इजीली डीप फ्राई हो जाए। तो बस अब हम ऑयल को करते हैं बंद और शुरू करते हैं अपनी आलू की प्रिपरेशन। तो हम यहाँ ले रहे हैं एक प्लेट। तो हमने यहाँ पर एक प्लेट में ले लिए हैं आलू, और इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा फूड कलर, जो ऑरेंज वाला फूड कलर आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसके ऊपर हम ड्राई आलू के ऊपर ही हल्का सा फूड कलर डालेंगे और इसको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने इसमें गाइस अच्छे से कलर लगा लिया है, और इधर हमने ऑयल अपना गर्म होने के लिए रखा था, जो कि लगभग गर्म हो चुका है। अब हम लेंगे कॉर्नफ्लावर। हमें कॉर्नफ्लावर में इस पोटैटो को ऐसे कोट करना है, और एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर को हमें ऐसे डस्ट कर देना है, और इसको इसी तरह से हमें सभी पीसेस को कोट कर लेना है। चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म है। तो देखिए, हमने आलू इसमें डाल दिए हैं सारे, और हमें इसे फुल फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बस आलू हमारे बॉयल्ड हैं और हमें इन्हें पकाना नहीं है। अगर हम फ्लेम को स्लो करते हैं तो आलू टूट जाएंगे, इसलिए फुल फ्लेम पर ही इसको डीप फ्राई करें। तो अब हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका कितना अच्छा कलर आया है। तो बस हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमने ये सभी आलू एक पेपर नैपकिन पे निकाल लिए हैं। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ एंड इस ऑयल को करेंगे खाली। चलिए, हमने ऑयल खाली करके पैन को साफ कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और अब हम शुरू करते हैं अपने आगे की रेसिपी। अब हमें पैन में डालना है 2 टेबलस्पून ऑयल, इस ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो गाइस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और जब भी हम कुछ चाइनीज लाइक चीज बनाते हैं तो उसमें हमें ऑयल को बहुत तेज हीट करना होता है। तो ऑयल हमारा यहाँ बहुत तेजी से गर्म हो चुका है, और इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक, जिसको हमने बहुत बारीक से चॉप कर लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक है और 1/2 टेबल स्पून जिंजर है। इसको हम अच्छे से सौते करेंगे। इसको बिल्कुल हमें गोल्डन ब्राउन करना है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 कटी हुई हरी मिर्च, जिसको हमें आराम से इसमें पकाना है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। लो को हमेशा हम फुल पे रखेंगे, क्योंकि चाइनीज़ वेजिटेबल्स को हमें बहुत तेज़ी से मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाना होता है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई कैप्सिकम, और इसको हम तेज आंच पे पकाएंगे। तो हमने सॉल्ट और ब्लैक पेपर को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी सॉसेस। तो हमने इसमें डालना है 1 टेबल 1 टीस्पून विनेगर,
वन टीस्पून चिली सॉस। ये चिली सॉस वही है जो हमने घर पे अपने बनाई थी। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वन टीस्पून हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस एंड वन टेबल टीस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो सब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है गाइस। अब हम इसकी गार्निश करेंगे ऊपर से अपने ग्रीन अनियन के साथ। फ्लेम को करते हैं ऑफ और हमारी डिश है और अब ये रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। चलिए हम इसे सर्व करते हैं अपने प्लेटर में। अब ये बिल्कुल रेडी है, एंजॉय इट। तो गाइज ये थी हमारी गार्लिक चिली पोटैटो की रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे घर में जरूर ट्राई करें और आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आपको अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।